तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, अब तक जो भी पढ़ा है एक बार उसको बता देता हूँ आपको, है ना, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, है ना, कि पिछले धारावाहिक में क्या क्या पढ़ा अपन लोगों ने। तो क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। क्या आपको पता है पोलन ग्रेन कैसा था? देखो क्या ऐसा ही था पोलन ग्रेन के यहाँ पर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एक छोटी सी सेल थी जिसको जनरेटिव सेल बोलते थे, या बड़ी सेल थी जिसको वेजिटेटिव सेल बोलते थे। बड़ी सेल का न्यूक्लियस भी बड़ा और इरेगुलर होता है, जबकि छोटी सेल का न्यूक्लियस छोटा और वेल डिफाइंड होता था। तो ये जनरेटिव सेल थी और ये वेजिटेटिव सेल थी। मेन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगी? जनरेटिव सेल पार्टिसिपेट करेगी। सेम आपने देखो फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा था, जब फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन को बोलते थे मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यानी पोलन ग्रेन। अब क्या बोल रहे हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस, दैट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन। और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट भी एक बार बना लेते हैं। देखो यहां पर ये वाला पार्ट चलाजल पार्ट है, ये चलाजल पार्ट था और ये माइक्रो, हाँ माइक्रो पाइल एंड था। तो दो एंड थे, चलाजल एंड और माइक्रो पाइल एंड। अब चलाजल एंड के साइड पे तीन सेल थी, कौन सी सेल्स है? एंटीपोडल सेल्स, है ना, तीनों में न्यूक्लियस। देखो सेंटर में क्या था? पोलर न्यूक्लियाई। देखो इसको क्या बोलते थे? पोलर न्यूक्लियाई। और देखो माइक्रोपाइल एंड पे क्या था? एक बड़ी सेल थी जिसको एग एपरेट एग सेल बोलते थे, और दो छोटी छोटी सेल्स थी जिनको बोलते थे साइनर्जिड्स, है ना, साइनर्जिड्स या सिनर्जिड्स, तीनों को मिला के बोलते थे एग एपरेटस। और एक चीज़ और देखी थी कि यहाँ पर सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता था, याद है? ये थे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन। उसके बाद हमने क्या बात की? पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या देखा? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में आपने दो पढ़े थे, ऑटोगैमी और गेटनोगैमी, है ना। फीमेल, देखो सुनो, क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को? जीनोगैमी। तो वहाँ पे हमने लिखा नहीं था शायद, तो आप वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। क्या बोलोगे? XENOGAMY। तो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। उसके बाद हमने पॉलिनेशन में क्या पढ़ा था? एडेप्टेशंस पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने तीन फ्लावर्स पढ़े थे, है ना, तीन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े थे। कौन कौन से? वियोला, ऑक्सेलिस और कोमलिना। ये तीनों के तीनों, क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस, दोनों तरह के फ्लावर्स होते थे इनके अंदर। क्लिस्टोगैमस का मतलब क्लोज फ्लावर, फ्लावर है लेकिन क्लोज है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन करा सके। कैस्मोगैमस क्या था? फ्लावर खुला हुआ था। दो तरह के फ्लावर पढ़े थे। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, यानी हमने क्या करा, मेल गैमेटोफाइट बना लिया। किसके अंदर बना? प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर बना है, प्लांट डिपेंडेंट है, समझ आया? ये प्लांट डिपेंडेंट है। अच्छा फीमेल में भी क्या बन रहा है? एम्ब्रियो सैक। ये भी क्या बन रहा है? प्लांट के अंदर बन रहा है, यानी फ्लावर में बन रहा है। तो ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं है, प्लांट डिपेंडेंट है, क्लियर है, यानी स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहे हैं ये दोनों। नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या किया? इन दोनों का पॉलिनेशन करा दिया। पॉलिनेशन का मतलब पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कराया। अब मूव कौन करता है? पोलन ग्रेन करता है, यानी ट्रांसफर किसका होता है? पोलन ग्रेन का होता है। किसके पास होगा? फीमेल गैमेटोफाइट के पास। उसी के बाद, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के क्या क्या इवेंट्स हैं, तो इसको मिटा देते हैं जरा। और देखो बात कर रहे हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हेडिंग है हमारी इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हैं? तो सबसे पहला इवेंट होता है बेटा पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, यही सबसे पहला इवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्यों सबसे पहला और इंपॉर्टेंट इवेंट है? जब तक, देखो ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, एक बार देखो जरा, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इसके पास कौन आ रहा है? इसके पास आ रहा है पोलन ग्रेन।
जब तक सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन नहीं आएगा, जब तक सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन नहीं आएगा तब तक पिस्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी अगर कोई और स्पीसीज का पोलन ग्रेन आ गया तो पिस्टल को पता पड़ जाएगा कि दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन है और वो आगे प्रोसेस नहीं होने देगा, आगे प्रोसेस नहीं होने देगा। तो किसको पता पड़ेगा? पिस्टल को पता पड़ेगा पोलन ग्रेन किसका आ गया। बोलो क्लियर है? यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन टेक्स प्लेस, आइडेंटिफिकेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है ना। कौन आइडेंटिफाई करता है? पिस्टल आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करता है? पोलन ग्रेन को। अगर एक बार पिस्टल ने पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये तो मेरी ही स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, तो वो क्या करेगा? फिर वो एक लिक्विड को सिक्रीट करेगा, यानी यहाँ पे क्या करेगा, एक सिक्रीशन करेगा, और ये शुगर प्लस वाटर का सिक्रीशन होगा। कैसा सिक्रीशन होगा? शुगर प्लस वाटर का। ये सिक्रीशन क्यों किया? ये सिक्रीशन इसलिए किया ताकि जो पोलन ग्रेन है ना, अब वो अपने पोलन ट्यूब को ग्रो कर सके। उसके लिए सिक्रीशन किया, उसके लिए चीज़ें सॉफ्ट कर दी, आसान कर दी, है ना, कि अब पोलन ग्रेन अपने आप को ग्रो कर सकता है। तो इस स्टेप को हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्रीशन फ्रॉम स्टिग्मा। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गई? सिक्रीशन फ्रॉम स्टिग्मा। अब भाई देखो, स्टिग्मा से भी सिक्रीशन हो गया, अब क्या होगा थर्ड स्टेप? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। क्या होगी थर्ड? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। कौन ग्रो करेगा? पोलन ट्यूब ग्रो करेगा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड लिख लेते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो थर्ड यहीं लिख लें, यहाँ लिखता हूँ, देखो थर्ड, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। किसका जर्मिनेशन हो रहा है बेटा? पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। देखो कैसे जर्मिनेशन होता है, हम उसकी बात करते हैं कि जर्मिनेशन कैसे होगा। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट था, है ना, थोड़ा सा इसको हम चौड़ा बना रहे हैं ताकि आप लोग इसको समझ जाओ। देखो ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन है, यहाँ पर ये क्या है? पोलन ग्रेन। अब देखो पोलन ग्रेन में मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक्साइन की लेयर होती है, याद है, एक्साइन की लेयर है, और बी, लेकिन एक्साइन की लेयर कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है। किसकी लेयर है? एक्साइन की, और कैसी है? डिसकंटिन्यूअस। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं जर्म पोर, जर्म पोर। अब होगा क्या, इस जर्म पोर में से ही क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये अपना पोलन ट्यूब बनाएगा। इस जर्म पोर में से पोलन ग्रेन क्या करेगा? अपना पोलन ट्यूब बनाएगा। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। अच्छा ऐसा नहीं है कि 8-10 जर्म पोर है तो 8-10 पोलन ट्यूब निकल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ किस पार्ट से निकलेगा? जिस जगह पर शुगर वाटर का सिक्रीशन हो रहा था, यानी एक ही जर्म पोर होगा और एक ही जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलेगा, सब जर्म पोर से पोलन ट्यूब नहीं निकलता। बोलो ये बात क्लियर है? अब दूसरी चीज सुनो, ये जो पोलन ट्यूब है किससे बना? यहाँ बीच में तो देखो आपकी बैठी हुई है जनरेटिव सेल, ये कैसी सेल है? ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल, कैसी सेल है? जनरेटिव सेल। बोलो क्लियर है? अब ये जो पोलन ट्यूब बना है ना, ये किसका बना है? ये पोलन ट्यूब बना है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल ने बनाया है ये वाला पोलन ट्यूब। यानी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? वेजिटेटिव सेल कर रही है, और जनरेटिव सेल क्या करेगी? वो आगे जाके बस फ्यूजन करेगी। तो किसका काम हुआ ये पोलन ट्यूब? किसने बनाया? वेजिटेटिव सेल बना रही है रियल में पोलन ट्यूब। बोलो क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या होगा? देखो जर्मिनेशन हो गया पोलन ट्यूब का, अब आगे जाके क्या होगा? ये जो आपकी जनरेटिव सेल है, अब ये नीचे की तरफ आएगी, है ना, तो इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डेवलप करके यहां बना देते हैं कि क्या हो रहा है। देखो थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं भाई, जगह बन गया क्या? इसको बनाते हैं ऐसे,
देखो यहाँ पर ये था पिस्टल, इसके ऊपर कौन रखा हुआ है बेटे, पोलन ग्रेन रखा हुआ है। पोलन ग्रेन ने क्या बना दिया है, पोलन ट्यूब बना दिया है। ये पोलन ट्यूब है, यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पर देखो ये प्लेसेंटा था, क्योंकि ये ओवरी है, प्लेसेंटा से ही ग्रो कर रहे थे कौन, देखो प्लेसेंटा वाले इस पार्ट से ही कौन आ रहा है, ओव्यूल आ रहा है, देखो ओव्यूल था, ये ओव्यूल है, ये वाला माइक्रोपाइल एंड है, ये वाला चला चला एंड है। अब होगा क्या, ये जो जनरेटिव सेल थी ना, इसके अंदर हुआ, इस जनरेटिव सेल के अंदर होता है वन माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन, वन माइटोटिक डिवीजन। एक बात और याद रखो, जनरेटिव सेल का प्लॉइडी नंबर कितना है, एन। जनरेटिव सेल का प्लॉइडी नंबर कितना है, एन। वेजिटेटिव का भी कितना है, एन। दोनों का प्लॉइडी नंबर एन है, ये पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछेगा आपसे कि प्लॉइडी नंबर कितना है। तो जनरेटिव और वेजिटेटिव दोनों सेल का प्लॉइडी नंबर कितना है, एन है। अब होगा क्या, जैसे ही इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो अब ये आ गए दो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन किस में हुआ, जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में हुआ। अब जैसे ही न्यूक्लियस में, यहाँ पे अब आपके पास दो न्यूक्लियस बन गए ना, यानी दो सेल बन गई, तो देखो दो सेल आ गई आपकी। अब आगे क्या होगा, ये जो देखो नेक्स्ट क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है, अब देखो पोलन ट्यूब ऊपर खाली हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, क्यों, कि पोलन ट्यूब अंदर आ चुका है। अब पोलन ट्यूब चला जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, ये पोलन ट्यूब जो है ना, ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ से आएगा किसके पास, एम्ब्रियो सैक के पास। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। चलो देखो एक काम और करो, यहाँ पर है ना इसको, ये जो हमने बनाया है इसको फोर्थ पार्ट लिख लेंगे, जहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। आप ये इसके नीचे लिख सकते हो फोर्थ करके, कि ये जो ब्रैकेट में, कि ये जो बनाया ना, ये क्या, ये ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। हाँ साइड में, तो साइड में उसके नीचे लिख लो फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल एंड। नेक्स्ट पॉइंट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंट्री ऑफ, फिफ्थ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल एंड, है ना। और माइक्रोपाइल एंड किसका है, एम्ब्रियो सैक का ही तो है, फीमेल गैमेटोफाइट का। तो देखो अब क्या होगा, आपका ये फीमेल गैमेटोफाइट है ना। अब हम लोग यहाँ पर इसको देखो, ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पर आपकी सेल्स हैं, एग सेल, दीज आर साइनर्जेट्स, दीज आर एंटीपोडल सेल्स, एंड दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, दिख रहे हैं। अब वो क्या रहा था, यहाँ पर ऐसे ही हिस्सा था, दिख रहा है ये हिस्सा, और यहाँ से कौन आ रहा है, थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं हल्का सा जगह दे करके, ताकि थोड़ा सा हम पोलन ट्यूब को शो कर सकें। और देखो यहाँ से कौन मूव कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है कौन, पोलन ट्यूब। और कहाँ से एंटर करेगा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, चलाजल पार्ट से एंटर नहीं करेगा। और सबको पता है कि पोलन ट्यूब जो है उसके पास क्या है, मेल गैमेट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों मेल गैमेट है। अब क्या होगा, ये मेल गैमेट या एंटर करना स्टार्ट करेंगे, एंटर करने से पहले ही ये देखो यहाँ पर ये है फिलीफॉर्म एपरेटस, याद है ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम था, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम था गाइड द पोलन ट्यूब, गाइड द पोलन ट्यूब। ये ही पोलन ट्यूब को बताएंगे कि भैया तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्लियर है। ये जो सेल है क्या बोलते हैं इनको, साइनर्जेट्स। ये साइनर्जेट्स क्या हो रही है, ये डीजनरेट होती है,
साइनजिड्स क्या होने लगती है, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर साइनजिड्स डीजनरेट हो गई तो अब क्या होगा, अब फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू पोलन ट्यूब क्या करेगा, एंटर कर जाएगा अंदर। अब जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पर आया तो दोनों के दोनों मेल गैमेटोफाइट कहाँ चले गए, अंदर चले गए। जैसे ही दोनों के दोनों मेल गैमेटोफाइट ने फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंट्री ली, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री ली, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री लेते ही क्या होगा, देखो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री लेते ही स्टेप नंबर 6, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जैसे ही मेल गैमेट एंटर करेंगे किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, वैसे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, एक मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट है, वो आएगा और वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ। किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एग सेल के साथ। देखो मेल गैमेट था प्लॉइडी नंबर एन, एग सेल थी प्लॉइडी नंबर एन, और जैसे ही आपस में फ्यूज होंगे क्या बनाएंगे, जायगोट। और जायगोट का प्लॉइडी नंबर कितना हो गया, 2n। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अब सेकंड पार्ट क्या हो रहा है, देखो 7, ध्यान से देखो, आपके पास मेल गैमेट कितने हैं, 2 हैं, है ना। एक मेल गैमेट ने किससे फ्यूज किया, एग सेल से, सेकंड मेल गैमेट आएगा और किससे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं 7 ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या होगा, एक मेल गैमेटोफाइट आएगा, यानी एक मेल गैमेट आएगा और वो फ्यूज करेगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई। देखो मेल गैमेट है प्लॉइडी नंबर एन, पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी नंबर बोलो, पोलर न्यूक्लियाई के प्लॉइडी नंबर बोलो, क्या इतना नहीं, पोलर न्यूक्लियाई के प्लॉइडी नंबर 2n नहीं है, पोलर न्यूक्लियाई के प्लॉइडी नंबर आप लिखोगे n प्लस n, दोनों अलग अलग न्यूक्लियस हैं, तो 2n मत बोलना बेटा, n प्लस n होगा, आप उसको 2n नहीं बोल सकते हो, याद रखना। अब क्या होगा, अब इनके पीछे जब फ्यूजन हो गया, अब तीनों आपस में मिल गए, पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज थोड़ी हुए थे, दोनों अलग अलग थे ना, तो दोनों अलग अलग, दोनों का प्लॉइडी नंबर n और n है, लेकिन अब क्या होगा, अब इनके बीच में फ्यूजन हुई और तीनों एन आपस में मिल गए और इन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको आप बोलते हो पेन, PEN, पेन, पेन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जरा बताओ यहां पर एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जबकि जिम्नोस्पर्म में कहाँ होता था, बिफोर फर्टिलाइजेशन होता था, याद आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, अब पेन का फॉर्मेशन हो गया, अब जरा बताओ पेन का प्लॉइडी नंबर कितना होगा, 3n, तो अब दिस इज 3n। अब पेन से क्या बनेगा, देखो पेन से बनेगा PEC, PEC मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसको आप बोलोगे PEC, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की भी प्लॉइडी नंबर कितनी होगी, बोलो क्लियर, पक्का। इससे फर्दर क्या बनेगा, अब बनेगा एंडोस्पर्म, अब क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, ये जो एंडोस्पर्म है ना, यही न्यूट्रिटिव टिश्यूज हैं, ये क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यूज हैं, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंडोस्पर्म, पता चला। अभी देखेंगे सीड, देखेंगे ना कल, जब सीड बताऊंगा आपको तो वहाँ पे देखेंगे सीड में कहाँ पे एंडोस्पर्म है, कहाँ पे क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, बोलो क्लियर है। अब देखो ये जो 6th और 7th इवेंट है ना, इसको मिलाकर के क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, इसको मिला के क्या बोल रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो देखो यहाँ पे क्या गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, बोलो कि यहाँ पे भी गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, हाँ, तो इसका मतलब 6th एंड 7th इवेंट
इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, ये ही करेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का. और किसी में कभी डबल फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं. दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? हाँ, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनजीओ. हाँ ठीक है, तो ये बात याद रखना कि एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन. बोलो क्लियर है? पक्का. अब इसके बाद देखते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक है वो किस तरह से अब सीड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना. यानी आपका जो ओव्यूल था वो किस किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर वो बताता हूँ. ठीक है, चलो करो नोट. चलो तो आगे बढ़े. देखो एक छोटी सी चीज़ और देख रहे हैं हम लोग. देखो जब भी कभी भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो देखो मैं एक बार ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से आप इसको देखना, पहचानना, पहचानने की कोशिश करना. तो बेटा देखो ध्यान से, क्या आप इसको पहचान पा रहे हो? ये ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी. तो ये ओवरी है, इसके ऊपर स्टाइल और उसके ऊपर स्टिग्मा. अब देखो ओवरी पे आपको पता है, यहाँ पर ओवरी पर ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से एक एक्सटेंशन निकल रही थी और वो कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, देखो दिख रही है इस तरह से, और यहाँ से ये पार्ट ऐसे, है ना, यहाँ से ये पार्ट ऐसे ऐसे जा रहा था, दिख रहा है. और इसके अंदर कौन था? इसके अंदर था आपका एम्ब्रियो सैक. दिस इज द एम्ब्रियो सैक. तो देखो ये है ओवरी, ये क्या है? ओवरी. ज़रा मुझे बताओ ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? हाँ फ्रूट में. ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ठीक है. देखो ये पूरा पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है ओव्यूल. और ओव्यूल बोले किस में कन्वर्ट होता है? ये एनाट्रोपस. ओव्यूल कैसा है? एनाट्रोपस, है ना. ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होता है ओव्यूल. बोले इतना पता चले. अच्छा देखो ये जो है, ये है इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे? सीड कोट में. तो इंटेग्यूमेंट किस में कन्वर्ट होंगे? सीड कोट में कन्वर्ट होंगे. बोलो ये बात क्लियर आई? आगे देखो, क्या यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स थी. ये कैसी सेल्स थी? एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाती हैं? यहाँ पर डीजनरेट होती हैं. क्या होती हैं यहाँ पे? डीजनरेट होती हैं. देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे छोटी छोटी सेल्स थी. ये छोटी छोटी सेल्स जो थी ना, ये थी न्यूसेलस. क्या थी छोटी छोटी सेल? न्यूसेलस. ये भी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है. यानी ये भी क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है. बोलो क्लियर है? देखो यहाँ पर था आपका एग एपरेटस, या एग सेल बनाते. ये थी एग सेल. एग सेल तो फ्यूज हो गई. और यहाँ पर कौन थे? साइनर्जिट्स. दिख रहे हैं साइनर्जिट्स भी क्या हो रहे हैं? हाँ साइनर्जिट्स. और साइनर्जिट्स भी क्या हो रहे हैं? डीजनरेट होते हैं, है ना. क्या हो रहे हैं साइनर्जिट? डीजनरेट. अच्छा देखो ये वाला पार्ट जो है एग, दिस इज एग सेल. एग सेल में फ्यूजन हो गया, क्या बना? जाइगोट. और एग सेल जाइगोट बनाती है, और जाइगोट क्या बनाएगा फर्दर? एम्ब्रियो. जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो. पता चल रहा है? यहां पर सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई थे. दीज आर पोलर न्यूक्लियाई. और पोलर न्यूक्लियाई क्या बना रहे हैं? पेन. और पेन की क्या बनाता था? पैक. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. और पैक क्या बनाता है? एंडोस्पर्म. बोलो पता चला? तो क्या आप लोगों को ये चीजें पता पड़ गई कि आपकी जो फ्लावर है, फ्लावर में ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी. जबकि ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड बनाएगा. बाकी चीज़ें पता पड़ी. एंडोस्पर्म क्या होता है? जैसे अभी एंडोस्पर्म बताऊंगा, जैसे नारियल लूंगा, नारियल पानी. नारियल पानी क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. अच्छा नारियल का वाइट पार्ट क्या होता है? वो भी एंडोस्पर्म ही होता है. लेकिन वो क्या होता है? वो
सेलुलर एंडोस्पर्म होता है ना, तो वो चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी आप इसको नोट कर लो, ठीक है।